अहम खबर देंगे आपको पेशावर से, जहां पर सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। शहर में जारी बारिश ने महकमे WSSP की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। शहर के हम मकामात पर खड़ा पानी अवाम के लिए दर्दे सर बन गया है। आपको बताते चलें कि महकमे की कारकर्दगी सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक महदूद होकर रह गई है। पैदल चलने वाले अफराद भी मुश्किल से दो चार हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि घंटों गुजर जाने के बावजूद मुतलका इंतजामिया ना पहुंच सकी है। पेशावर में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। शहर में जारी बारिश ने महकमे WSSP की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। शहर के हम मकामात पर खड़ा पानी अवाम के लिए दर्द सर बन गया है। महकमे की कारकर्दगी सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक ही महदूद होकर रह गई है। पैदल चलने वाले अफराद भी मुश्किल से दो चार हैं। घंटों गुजर जाने के बावजूद मुतलका इंतजामिया ना पहुंच सकी है। इसी पर मजीद बात करेंगे एहसास खान से। एहसास, बताइएगा मुतलका इंतजामिया का क्या कहना है इस हवाले से। जी बिल्कुल, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पेशावर शहर में जारी बारिश ने महकमा WSSP की कारकर्दगी पर कई सवालात खड़े कर लिए हैं। शहर के अहम मकामात पर पानी जमा पानी आवाम के लिए दर्दसर बन गया है। इसके अलावा मैं आपको ये बताता जाऊं कि इंतजामिया तो ना पहुंच सकी, लेकिन आवाम ने अलबत्ता अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ बंद नालियों से पानी निकालने का काम शुरू कर लिया है। इसके अलावा जो पैदल चलने वाले अफराद हैं उनको भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जमा पानी ने WSSP और मुतलका इंतजामिया की कारकर्दगी पूरी तरह खोल दी है। इसके अलावा जो महकमा की कारकर्दगी है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रह गई है। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चाहूँ कि फोटेजेस में वाजे तौर पर देखा जा सकता है कि ये अंदरूनी शहर का इलाका है, जहां पर आवाम से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि सूबाई हुकूमत को चाहिए कि इस सूरत हाल में हमारे लिए कश्तियां फराहम करे, क्योंकि हम इसमें पैदल नहीं जा सकते। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसास खान, आप हमें इस तमाम मामले पर तफसीलन अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे समुद्री से। आपको बताएं कि थाना मुरीदवाला में तैनात पुलिस एहलकार की गुंडागर्दी की CCTV फुटेज रोज न्यूज ने हासिल कर ली है। पुलिस एहलकार अरशद मुबैना शराब फरोशों के साथ समुद्री रेस्टोरेंट खाना खाने आया। ऊंची आवाज में गैर इखलाकी गुफ्तगू करने पर रेस्टोरेंट मालिक ने रोका, जिस पर पुलिस एहलकार ने मुश्तैल होकर मुबैना शराब फरोशों के साथ मिलकर अमले के साथ हाथापाई की है। आपको बताते चलें कि शहरियों और रेस्टोरेंट अमले के इतला पर सिटी समुद्री की पुलिस पहुंच गई है। पुलिस एहलकार अरशद समेत चार मुलजमान को हिरासत में ले लिया है। मुलजमान के टेस्ट करवाकर लाहौर भेज दिए गए हैं। मजीद कार्रवाई की जाएगी ये कहा गया है पुलिस की जानिब से। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि समुद्री में थाना मुरीदवाला में तैनात पुलिस एहलकार की गुंडागर्दी की CCTV फुटेज रोज न्यूज ने हासिल कर ली है। पुलिस एहलकार अरशद मुबैना शराब फरोशों के साथ समुद्री रेस्टोरेंट खाना खाने आया था। इस्लामाबाद से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि PSL के बाद पेशावर जलमी की ग्लोबल जलमी लीग की तैयारी उरूज पर पहुंच गई है। ग्लोबल जलमी लीग के लिए गैर मुल्की टीमों की इस्लामाबाद आमद आज से शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड जलमी की टीमें आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। ग्लोबल जलमी लीग 21 मार्च से इस्लामाबाद में शुरू होगी। लीग का पहला मैच 21 मार्च को अर्रियाज जलमी और शाओजिंग यानी चीन जलमी के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट का फाइनल 31 मार्च को खेला जाएगा। तमाम गैर मुल्की टीमों को पाकिस्तान खुश आमदीद कहते हैं, ये कहा गया चेयरमैन पेशावर जलमी जावेद आफरीदी की जानिब से। PSL के बाद पेशावर जलमी की ग्लोबल जलमी लीग की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। ग्लोबल जलमी लीग के लिए गैर मुल्की टीमों की इस्लामाबाद आमद आज से शुरू होगी। ऑस्ट्रिया और स्कॉटलैंड जलमी की टीमें आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। ग्लोबल जलमी लीग 21 मार्च से इस्लामाबाद में शुरू होगी। आपको बताते चलें कि इवेंट का फाइनल 31 मार्च को खेला जाएगा। चेयरमैन पेशावर जलमी जावेद आफरीदी कहते हैं, तमाम गैर मुल्की टीमों को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं।
पीएसएल के बाद पिशावर जलमी की ग्लोबल जलमी लीग की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। ग्लोबल जलमी के लीग के लिए गैर मुल्की टीमों की इस्लामाबाद आमद आज से शुरू होगी। आपको बताते चलें कि ग्लोबल जलमी 21 मार्च से इस्लामाबाद में शुरू होगी। लीग का पहला मैच 21 मार्च को रियाज जलमी और शाओजिंग यानी चीन जलमी के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट का फाइनल 31 मार्च को खेला जाएगा। तमाम गैर मुल्की टीमों को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं, ये कहा गया चेयरमैन पिशावर जलमी जावेद आफरीदी की जानिब से। पीएसएल के बाद पिशावर जलमी की ग्लोबल जलमी लीग की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। ग्लोबल जलमी लीग के लिए गैर मुल्की टीमों की इस्लामाबाद आमद आज से शुरू होगी। ऑस्ट्रिया और स्कॉटलैंड जलमी की टीमें आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। ग्लोबल जलमी लीग 21 मार्च से इस्लामाबाद में शुरू होगी। और अभी आपको खबर देंगे, खसूसी अदालत परवेज मुशरफ का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आइंदा समा तक सवालनामा तैयार करेगी। खसूसी अदालत ने परवेज मुशरफ का बयान वीडियो लिंक या कमीशन के जरिए रिकॉर्ड कराने पर मुआवनत तलब कर ली है। परवेज मुशरफ के वकील की वीडियो लिंक या कमीशन के जरिए बयान रिकॉर्ड करने की मुखालिफत, परवेज मुशरफ की अदम मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ये कहा गया वकील परवेज मुशरफ की जानिब से। खसूसी अदालत ने परवेज मुशरफ के वकील सलमान सफदर का वकालतनामा मंजूर कर लिया है, जबकि वकील की जानिब से कहा गया है कि बयान रिकॉर्ड कराने के लिए परवेज मुशरफ की हाजिरी जरूरी है। संगीन गद्दारी केस में खसूसी अदालत परवेज मुशरफ का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आइंदा समा तक सवालनामा तैयार करेगी। खसूसी अदालत ने परवेज मुशरफ का बयान वीडियो लिंक या कमीशन के जरिए रिकॉर्ड कराने पर मुआवनत तलब कर ली है। परवेज मुशरफ के वकील की वीडियो लिंक या कमीशन के जरिए बयान रिकॉर्ड करने की मुखालिफत की गई है। उन्होंने कहा कि परवेज मुशरफ की अदम मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बताएं कि संगीन गद्दारी केस में खसूसी अदालत ने परवेज मुशरफ का बयान रिकॉर्ड करने के लिए आइंदा समा तक सवालनामा तैयार करने का हुक्म दे दिया है। खसूसी अदालत ने परवेज मुशरफ का बयान वीडियो लिंक या कमीशन के जरिए रिकॉर्ड करने पर मुआवनत तलब कर ली है। और अभी आपको खबर देंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी की तरकोल पावर प्लांट फाल होने पर मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियर्स और दीगर स्टाफ हमारा हीरो है, सिंध हुकूमत ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने सिंध के फंड से 120 अरब की कटौती की है। थर के कोयले से बिजली की पैदावार हुकूमत सिंध का कारनामा है। उन्होंने कहा कि 330 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड स्टेशन में शामिल होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की थरकोल पावर प्लांट फाल होने पर मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियर्स और दीगर स्टाफ हमारा हीरो है। ये थी रोज ताजा तरीन।